Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about social media issues. And this topic is important from our syllabus paper 3, especially about fundamental rights in context of social media. So, सबसे पहले इस आर्टिकल का देखो बैकग्राउंड समझते हैं. हाल फिलहाल में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बोला गया कि जो फेसबुक इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर जो फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट डज नॉट फिल्टर द हेट स्पीचेस पब्लिश्ड बाय द रूलिंग पार्टी लीडर्स ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म. तो सरल शब्दों में हेट स्पीचेस का देखो मतलब होता है वैसे स्पीचेज जिससे वैसे पोस्ट वैसे कमेंट्स जिससे कॉम्युनल डिसहार्मनी राइट्स दंगे फैलने के चांसेस होते हैं उनको हम कहते हैं हेट स्पीचेज, जिससे हमारे समाज के अंदर सोशल डिस्टर्बेंसेस हो सके लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है वैसे स्पीचेज को हम कहते हैं हेट स्पीचेज. और वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया कि फेसबुक इंडिया के अंदर जो फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उनके लीडर्स के स्पीचेज को फिल्टर नहीं करता है, उनके हेट स्पीचेज को भी एज इट इज़ फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जाने देता है. सो आप फेसबुक का ये जो रिपोर्ट है उस ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया कि फेसबुक इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको डर लगता है दैट द रूलिंग पार्टी इन इंडिया माइट टेक सम एक्शंस अगेंस्ट फेसबुक. तो सीधी सी बात है, मैं एक बार फिर से सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक जो इंडिया का है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता लोगों का उसके पॉलिटिशियंस का स्पीच बिना फिल्टर के आने देता है, उसको रोकता नहीं है चाहे वो हेट स्पीच ही क्यों ना हो. ऐसा एलिगेशन लगाया गया, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया इन ए रिपोर्ट पब्लिश्ड इन वॉल स्ट्रीट जर्नल. ये US का जर्नल है, अमेरिका का जर्नल है. और फिर इस जर्नल के बाद इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ चेयर्ड बाई शशि थरूर जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने फेसबुक इंडिया को समन भी किया, बुलाया भी एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बताएं कि आपकी फ़िल्टर पॉलिसी किस तरह से काम करती है. और अब कुछ दिनों बाद अब बिल्कुल उल्टी ही बात निकल के सामने आ रही है. अब जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं अब वो कह रहे हैं कि फेसबुक उनके खिलाफ़ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फेसबुक उनके जो नॉर्मल स्पीचेज भी हैं उनके जो नॉर्मल पोस्ट हैं उनको भी बेवजह का फिल्टर कर रहा है ब्लॉक कर रहा है. ये देखो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कल के न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा गया अमिड रो ओवर बायस नाउ फेसबुक बैंस बीजेपी एमएलए फॉर वायलेटिंग हेट स्पीच पॉलिसी. अब ये देखो बीजेपी कांग्रेस ये सारी न्यूज़ अभी तक जो हमने देखा है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या है, जो डिबेट इस सारे इवेंट्स के कारण स्टार्ट हुई और जो डिबेट है दैट इज़ दैट वेदर अ प्राइवेट एजेंसी लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सवाल ये है कि जैसे फेसबुक एक प्राइवेट एजेंसी है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब कर सकती है? अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं कुछ लिखना चाहते हैं पोस्ट करना चाहते हैं तो क्या फेसबुक को ये पावर है क्या अधिकार है कि वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सके? क्योंकि अभी तो वो यही करता है, अगर उसको लगता है कि उसके ओपिनियन में हमारा ये जो स्पीच है वो सही नहीं है तो फिर वो उसको ब्लॉक कर देता है. सो फेसबुक इज रेगुलेटिंग आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट्स नॉट जस्ट फेसबुक, ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर व्हाट्सएप दे ऑल फॉलो सिमिलर पॉलिसी. तो एक वाइडर डिबेट स्टार्ट हो गई है, कैन प्राइवेट एजेंसीज कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये एक वाइडर डिबेट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारी एक फंडामेंटल राइट है. यू ऑल नो दैट आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसके अलावा बाकी सारे भी राइट्स गारंटेड हैं अंडर आर्टिकल 19(1). लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बात पता होगी, पहले मैं भी बता चुका हूँ कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर एंड देर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ओवर देम अंडर आर्टिकल 19(2). सरल शब्दों में कहें तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे अधिकार हैं ये अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से हमारे लिए अवेलेबल हैं.
इनके ऊपर कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अंडर आर्टिकल 19(2). ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें फंडामेंटल राइट मिल गया तो हमारी जो मर्जी में आए बोल सकते हैं, हमारे जो मर्जी में आए वो पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड बाई आर्टिकल 19(2). फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19(2) में ही बताया गया है द ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए हम पाए गए, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे हमारे देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे खतरा हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप सबको पता है कि कुछ कभी कभार देश में नारे लग गए थे, वी वॉन्ट गो इन टू दैट स्पेसिफिक थिंग्स बिकॉज दे आर कंटेंशियस इशू ऑफ कोर्स, बट कभी नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग जाते हैं। हैदराबाद में कैसा इशू हुआ था जहाँ पे एक वुमेन वॉज फाउंड मेकिंग सच स्लोगन, तो दैट इज़ नेचुरली अ थ्रेट टू सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पर वो वुमेन ये क्लेम नहीं कर सकते कि इट इज़ हर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकॉज देर इज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हु डिसाइड्स द रिस्ट्रिक्शन, आखिर फैसला करेगा कौन कि कहाँ तक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वैलिड है, और क्या अगर हम करते हैं तो दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विल बी एप्लीकेबल। दैट पावर टिल नाउ हैज बीन एक्सरसाइज बाई जुडिशियरी, ये जो पूरा का पूरा अधिकार है जुडिशियरी फैसला करती है। आप कोई भी स्पीच आपको देना है आप दे दो, आपको कुछ भी कॉमेंट करना है कर दो, आपको कोई भी पोस्ट लिखना है फेसबुक पर आप कर दो, आपको पब्लिक में कोई भी बात कहनी है कह दो, लेकिन अब जुडिशियरी फैसला करेगी कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक्चुअली में फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो एप्लीकेशन है, या फिर आप उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए अंडर आर्टिकल 19(2). सो इट इज़ द जुडिशियरी हु हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर जुडिशियरी को लगता है कि आपका ये जो फ्रीडम है, जो ये स्पीच है, वो इन सारे एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं आता है, तो फिर आपको वो स्पीच देने नहीं दिया जाएगा, फिर आपका वो स्टेटमेंट कर्टेल कर दिया जाएगा। लेकिन अब नया डिबेट निकल के आ रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में तो हम यही देख रहे हैं कि आपको अगर मान लो फेसबुक पे कोई पोस्ट करना है, यानी कि यू आर एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप फेसबुक के थ्रू अपनी बातें कह रहे हैं, आजकल तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, सो यू आर नाउ एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू फेसबुक। अब फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक खुद ही पहले सर्विलेंस करता है, पहले फेसबुक खुद ही फिल्टर करता है, देखता है कि ये जो आपका स्पीच है ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, इससे कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे नहीं पड़ता, कहीं कम्युनल डिसहार्मनी तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स फेसबुक हैज़ ए फिल्टर पॉलिसी, एंड इफ फेसबुक फील्स कि योर स्पीच इज नॉट अप्रोप्रिएट फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, हो सकता है कि वो चाइल्ड मेंटेलिटी के लिए चाइल्ड के साइकोलॉजी पे निगेटिव इम्पैक्ट करे, किसी भी एस्पेक्ट से अगर फेसबुक को लगता है कि योर कॉन्टेंट इज़ इनअप्रोप्रिएट तो वो फिल्टर कर देता है, यानी कि आपके उस कॉन्टेंट को पोस्ट होने नहीं देता है। और ऐसा बस फेसबुक के साथ नहीं है, एनी सोशल मीडिया साइट एट फर्स्ट फिल्टर द कॉन्टेंट एंड देन अलाउ इट टू बी पोस्टेड। अगर आप YouTube पे भी कोई वीडियो डाल रहे हैं और अगर YouTube को लगता है कि इस वीडियो में कुछ इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है तो उसको फिल्टर होने नहीं देगा, उसको पब्लिश होने नहीं देगा। सो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दैट इन दिस 21st century जब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस केस में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जुडिशियरी के बराबर का पावर मिल गया है। जैसे जुडिशियरी फैसला करती थी पहले कि आप जो कह रहे हैं वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या फिर इट इज़ वायलेशन अंडर आर्टिकल 19(2), ये जुडिशियरी पहले फैसला करती थी कि आपके अधिकार हैं या नहीं इस पर्टिकुलर कंटेंट को रिलीज़ करने का। लेकिन अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पावर्स उनके पास आ गए हैं विद दिस फिल्टर पॉलिसी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पार्शियल तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करने लगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए मान लो काम करने लगे, तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम, इफ दिस सोशल मीडिया स्टार्ट्स वर्किंग इन पार्शियल मैनर इन वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर इन अ बायस्ड मैनर किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करने लगे, देन दैट विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी,
ये एक सवाल निकल के आ रहा है कि एक पार्टी के ओपिनियन को वो आने देगा, दूसरे पार्टी को नहीं आने देगा, कहेगा कि नहीं नहीं ये तो इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है। तो इस तरीके से देर विल बी अन इवन प्लेइंग फील्ड। उसके अलावा और राइट टू प्राइवेसी इज एनी वे ब्रीच्ड, इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एनी वे ब्रीच्ड। हम जो कहना चाहते हैं अगर फेसबुक को लगता है कि नहीं तुम्हें बोलने नहीं देना चाहिए तो हमें बोलने नहीं देगा, अगर किसी दूसरे की बात उसको सही लगती है तो उसको बोलने देगा। सो आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बीइंग रेगुलेटेड बाय फेसबुक, अर्लियर इट वाज बीइंग रेगुलेटेड बाय जुडिशियरी। सो दैट इज द डिबेट, आई होप द डिबेट इज क्लियर नाउ। अब हम इस पूरे इशू को कैसे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो इस इशू पे ऐसे भी आ सकता है, तो सोशल मीडिया के क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, वो हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13 अगस्त 2020 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कई सारे नेगेटिव्स डिस्कस किए थे मैंने सोशल मीडिया के, ये टॉपिक एज इट इज़ हमारे सिलेबस में मैंसनड है सोशल मीडिया, तो उसके नेगेटिव्स मैंने डिस्कस किए थे कि हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, साइबर टेररिज्म को प्रमोट करता है, इट लीड्स टू बैंक फ्रॉड्स, हैरासमेंट, फेक न्यूज़, ये सब मैंने डिस्कस किया था। पॉजिटिव्स भी डिस्कस किए थे कि कई सारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से चलते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होता है, इट इज चीप कम्युनिकेशन मीन्स, तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13 अगस्त। उसमें आपको बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज एन एग्जांपल ऑफ थ्रेट अराइजिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया को देखो कितना बड़ा पावर मिल गया है, जुडिशियरी के बराबर का पावर मिल गया है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, इन 21st सेंचुरी इट कैन बी अ चैलेंज टू ओवरऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले अगर चाहें तो किसी भी पार्टी की सरकार बना दें, किसी भी पार्टी की सरकार को गिरा दें, जो ओपिनियन किसी पार्टी के खिलाफ है बस उसको फिल्टर करके आने दें, और जो ओपिनियन उनको लगता है कि उस पार्टी के प्रोज में है उसको रोक दें। तो इस तरीके से दे आर हैव यूजिंग और दे आर इंजॉइंग अनड्यू और अनब्रिडल्ड पावर। इसको कैसे रोका जाए ये भी सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है इस आर्टिकल में। एक फिल्टर पॉलिसी जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले इस्तेमाल करते हैं, वो फिल्टर पॉलिसी शुड बी लेड डाउन बाय जुडिशियरी। जुडिशियरी क्लियर कट तरीके से बताए कि क्या होनी चाहिए फिल्टर पॉलिसी, और इन लोगों को डिस्क्रिशन नहीं मिलना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वालों को डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए कि अपने मर्जी से फिल्टर पॉलिसी लगा दे, जो कंटेंट इनको अच्छा लगा वो आने दें और जो ना लगा उसको रोक दें। देयर शुड बी अ क्लियर कट पॉलिसी लेड डाउन बाय द जुडिशियरी एंड दे शुड बी बाउंड टू फॉलो इट, दे शुड नॉट बी यूजिंग देयर ओन डिस्क्रिशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट सम इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSTO एंड CIS। This topic is important from our syllabus paper 3, international agencies point of view, important international institutions and agencies. तो news article देखते हैं, तो देखो हमारे देश के defense minister Rajnath Singh is on 3-day visit to Russia and in his 3-day visit he will be meeting with the ministers of Shanghai Cooperation Organization, Collective Security Treaty Organization and Commonwealth of Independent States। अब ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है, अभी तक देखो राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई नहीं है और उसमें कोई भी पॉजिटिव आउटकम आया नहीं है, लेकिन न्यूज़ ये है कि राजनाथ सिंह जी इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मिलेंगे। तो मैंने ये आर्टिकल आज इसलिए कवर किया है ताकि मैं इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बता सकूं। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आने वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। सो लेट अस कवर दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस वन बाई वन। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज क्रिएटेड इन 2001। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, 8 मेंबर कंट्रीज, इनके बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करे एंड ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, दैट इज इन चाइना। इसके मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं जरा देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये चार कंट्रीज़ हैं। तो आप इनको सरल शब्दों में कैसे याद कर सकते हो, ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो आपको पता है कि पांच ही तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी चार इसके मेंबर हैं, प्लस इसके मेंबर हैं रसिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो 2017 से पहले इसके मेंबर्स इंडिया और पाकिस्तान नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर रसिया ने इंसिस्ट किया कि इंडिया को इंक्लूड किया जाना चाहिए इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना, पाकिस्तान को भी लेकर के आ गया और इस तरीके से इसके ये सारे कंट्रीज मेंबर हो गए। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट इट इन 2017। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ऑफ अ स्ट्रक्चर,
एंटी टेरर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइंड बिटवीन दीस एससीओ मेंबर्स। ये एंटी टेरर कोऑपरेशन का नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि रैट्स विच इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आंसर विल बी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर से, जिनके मिनिस्टर से मिलेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO। ये CSTO वाज स्टार्टेड बाय रसिया इन 2002। इसका पर्पस ये था कि वो कंट्रीज़ जो पहले USSR के हिस्सा थे, सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, आपको पता है कि सोवियत यूनियन स्टार्टेड इन 1922 एंड देन इट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, एंड सोवियत यूनियन और US ब्लॉक के बीच में ही कोल्ड वॉर कंटिन्यू हुआ फ्रॉम 1947 टिल 1991। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में जाकर के। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो फिर रसिया ने प्लान किया कि जो मेंबर्स थे सोवियत यूनियन के, उनको मिला करके एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। देखो, कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री ने, किसी आउटसाइडर कंट्री ने इनमें से किसी की एक के ऊपर भी अटैक किया, तो ये बाकी सब मिल करके उस कंट्री के अगेंस्ट अटैक करेंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। अगर कोई भी बाहरी इंसान या कंट्री किसी एक पे भी अटैक करता, तो ऑल विल फाइट अगेंस्ट दैट। तो कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, नाटो आप पहले से जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो अटलांटिक ओशन के आसपास के जो 29 मेजर कंट्रीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट। मोस्टली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस आर पार्ट ऑफ नाटो। दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस। सॉरी, यूज द टर्म कलेक्टिव डिफेंस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टर्म कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। सो दिस नाटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, वाइल CSTO इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी कब होती है? जब दुनिया के सारे कंट्रीज एक साथ आ जाएं। ये कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी में अंतर समझ लो। कलेक्टिव डिफेंस जब कुछ है कंट्रीज मिल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, देन दैट इज कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी जब दुनिया के सारे कंट्रीज मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए फॉर सिक्योरिंग इटसेल्फ, जैसे कि UNSC, देन दैट इज नोन एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। सो दिस CSTO एंड नाटो आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, वाइल UNSC इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। CSTO के मेंबर्स हैं देखो आर्मेनिया, यहाँ देखो, फिर बेलारूस, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान आर द मेंबर्स ऑफ CSTO। दे आर काउंट कंसिडर टू बी काउंटर पार्ट ऑफ नाटो। तो जिस तरीके से US ने नाटो बना रखा है कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही रसिया ने CSTO बना रखा है एज ए कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज टुगेदर, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। उसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के भी लीडर से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह जी। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी सोवियत यूनियन के मेंबर कंट्रीज ही हैं। जब सोवियत यूनियन एक बार डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रसिया ने उस टाइम में 1991 में कोशिश की कि सारे कंट्रीज़ को मिला करके एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जिसका नाम उसने दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे देखो, जब सारे जो ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, जब वो देश आज़ाद होने लगे, तो ब्रिटिश ने मिलकर के क्या प्लेटफॉर्म बनाया था? कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म, जिसका इंडिया भी हिस्सा है। वैसे ही जब USSR डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो फिर रसिया ने मिलकर के, रसिया बाकी सारे मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर के उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सारे के सारे मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया, जो USSR के मेंबर्स थे सब ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ एक मेंबर्स ने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में बेलारूस, रसिया एंड यूक्रेन वेयर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। लेटर ऑन आर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा एंड किर्गिस्तान ज्वाइंट दिस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ज्वाइन करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन करना पड़ता है, जिसका नाम है अल्मा अटा प्रोटोकॉल। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल इश्यूज पे नेगोशिएशंस होते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स बाय RBI। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स होते क्या हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, जो हमारे देश के बैंक्स हैं, उनको जो भी लोन वो लोगों को देते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर को देना होता है। दैट इज़ नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
यानी कि मान लो अगर 100 रुपये बैंक को लोन देना है तो उसमें 100 रुपये में से 40 रुपये उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को ही लोन देना है, दैट इज़ नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो 40 रुपये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के टाइप के लोगों को ही देना है। दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन बैंक्स एज वेल एज ऑल फॉरेन बैंक्स हु हैव मोर देन 20 ब्रांचेज इन इंडिया। तो इनको कैसा है कि जो भी लोन उनको देना है, दैट लोन अमाउंट, जो भी पैसा उनके पास है, 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी पैसा उनके पास है, दैट इज़ नोन एज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ऑफ दैट बैंक। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं एज, तो लोन देने के लिए दैट अमाउंट विल बी नोन एज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब उस 1000 करोड़ में से 400 करोड़ उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को देना है, दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कॉमर्शियल बैंक, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फॉरेन बैंक्स, सबके लिए एप्लीकेबल है। फॉरेन बैंक्स में कैसा है कि उसके अगर 20 से ज़्यादा ब्रांच है तभी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। डिफरेंशियल बैंक्स के ऊपर भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन उनमें रेट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, RRB को 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉलो करना होता है, लोकल एरिया बैंक को 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75%, जबकि इन सबको पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉलो करना होता है। ज़रा देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं। एग्रीकल्चर आता है, MSME आता है, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स में मोस्टली वीकर सेक्शन आते हैं। तो इन 8 सेक्टर्स में इन बैंक्स को अपना 40% लोन देना होता है। अब करेंट न्यूज़ क्या है, दैट RBI हैज़ रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड कर दिए हैं RBI ने। स्टार्टअप्स को ऐड कर दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में, जिसमें RBI ने कहा है कि अब बैंक्स स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। उसके अलावा फार्मर्स को जो लोन दिया जाता था अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें नए नए तरह के लोन्स को ऐड किया गया। पहले फार्मर्स को लोन मिलता था फॉर सीड, फॉर क्रॉप या फिर फॉर फर्टिलाइजर्स, लेकिन अब फार्मर्स को अंडर दिस एग्रीकल्चर सेक्टर लोन मिल सकता है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, फॉर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स। फार्मर्स को लोन मिल सकता है अंडर दिस एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर सेटिंग अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। उसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही एक स्पेशल कैटेगरी होती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए लिमिट अब बढ़ाई जाएगी। तो धीरे धीरे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसा लोन दिया जाएगा अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। दीज आर द रिवाइज्ड नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल पब्लिश्ड टुडे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट 3 welfare schemes launched by government of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6, governance of Assam point of view. News article samajhte hain, government of Assam will implement 3 welfare schemes. Un tino welfare scheme ko ek ek karke dekhte hain. सबसे पहला है रीडिजाइंड स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना, स्वयं योजना। देखो, ये योजना पहले से चलते आ रही है असम स्टेट के अंदर, इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया है, इसीलिए इसका नाम कर दिया है रीडिजाइंड स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। इसके अंतर्गत होगा क्या, 50,000 रुपये दिए जाएंगे यूथ को, यंगस्टर्स को, स्टेट ऑफ असम के अंदर लगभग 2 लाख यंगस्टर्स को 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। मोस्टली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, यानी कि छोटी छोटी कंपनियां हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनमें यूथ को 50,000 रुपये ईच दिए जाएंगे। ईच का मतलब ज़रा समझो, मतलब फंड विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 3 मेंबर हैं तो टोटल 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे हर एक मेंबर के लिए 50,000 रुपये। अगर 5 मेंबर हैं तो 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे हर मेंबर के लिए 50,000 रुपये। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ईच मेंबर विल गेट 50,000 रुपीज इरेस्पेक्टिव की कितने मेंबर्स हैं। दूसरा स्कीम है अभिनंदन स्कीम। अभिनंदन स्कीम हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ये इसके अंदर होता क्या है कि आप एजुकेशन लोन अकाउंट में असम सरकार 50,000 रुपये जमा करती है, मतलब आपका, आपने 1 लाख का लोन ले रखा है एजुकेशन के लिए तो उसमें से 50,000 असम सरकार दे देगी, आपने 1.5 लाख का लोन ले रखा है तो उसमें से 50,000 असम सरकार दे देगी। अभिनंदन स्कीम इज स्कीम बेनिफिट्स ऑफ 1-time subsidy ऑफ ₹50,000 ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो अभिनंदन स्कीम पहले से चलती आ रही है असम स्टेट के अंदर, लेकिन इस साल अभिनंदन स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था अभी तक बिकॉज ऑफ COVID-19, बट नाउ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अभिनंदन स्कीम ऑल्सो। उसके अलावा स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स, तो अंडर दिस स्कीम
3,000 विल बी सबमिटेड टू द अकाउंट और डिपोजिटेड टू द अकाउंट ऑफ अबाउट 80 लाख टी गार्डन वर्कर्स। तो टी गार्डन वर्कर्स के अकाउंट में इतने सारे पैसे डाले जाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे ताकि उनका वेलफेयर इंश्योर कराया जा सके। लेट अस कवर वन अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन आवर पर्सनालिटी सेगमेंट। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बारे में तो आप सारी चीज़ें जानते ही होंगे। उनका इस बर्थडे दैट इज़ 5th September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। और कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में देख लेते हैं। 1954 ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न दैट इज़ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड ही हैज़ बीन ऑल्सो नॉमिनेटेड 16 टाइम्स फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एंड 11 टाइम्स फॉर नोबेल पीस प्राइज। नॉमिनेट हुए थे लेकिन कभी मिला नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो जरा सा। देखो एवरीबॉडी नोज दैट टीचर्स डे विच इज़ बींग सेलिब्रेटेड टूडे दैट मार्क्स बर्थडे ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बस अब आज का इन्फॉर्मेशन क्या है दैट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूज टू टेक जस्ट 25% ऑफ हिज ₹10,000 सैलरी एंड रिमेनिंग अमाउंट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एवरी मंथ। तो उस टाइम में प्रेसिडेंट की सैलरी हुआ करती थी ₹10,000 और उस ₹10,000 का भी बस 25% ₹2,500 ही सैलरी वो विड्रॉ करते थे, बाकी 75% वो कॉन्ट्रीब्यूट कर देते थे टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एवरी मंथ। वो इस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते थे। अब इस फैक्ट का, इस इन्फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखो एथिक्स पेपर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स पेपर में अक्सर इस तरह का सवाल आ जाता है और उसमें हमें बोला जाता है कि एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वॉन्ट में अंतर समझाएं। दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन एथिक्स पेपर। वहाँ पे आपको पहले समझाना है कि नीड इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग अ डिसेंट लाइफ। वो आपकी ज़रूरत होती है। नीड जो पैसा चाहिए आपको एक अच्छा लाइफ बिताने के लिए, वो उसको नीड कहते हैं। जबकि वॉन्ट इज़ द डिज़ायर टू परचेस समथिंग। जरूरत में और शौक में अंतर होता है। वॉन्ट इज समथिंग मोर, इट्स नॉट जस्ट फुलफिलमेंट ऑफ योर बेसिक लाइफ बट इट इज़ डिज़ायर टू परचेस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी ज़रूरत हो सकती है कार की, आपको एक जगह से दूसरे जगह रोज ऑफिस जाने के लिए आपको एक कार की ज़रूरत हो सकती है। तो अब दैट इज़ वर योर रिक्वायरमेंट, एक ऑटोमोबाइल। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं मुझे तो BMW चाहिए, अगर आपकी कार है, आप कार खरीदते हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख की, देन दैट इज़ योर नीड। लेकिन आप बोले कि नहीं मुझे तो बस BMW चाहिए, देन दैट इज़ योर वॉन्ट, अ डिज़ायर टू परचेस समथिंग। और वॉन्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ एंडलेस। वॉन्ट कभी रुकता नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। और इस कारण से वॉन्ट के कारण लोगों का पर्सनालिटी है डिग्रेड होने लगता है। देन पीपल टेंड टुवर्ड्स करप्शन एंड ऑल सच इन्फॉर्मिटी इन देयर पर्सनालिटी कम्स बिकॉज ऑफ वॉन्ट। जो भी क्राइम लोग करते हैं, गलत का फ्रॉड करते हैं, दैट इज़ बिकॉज दे आर ड्रिवन बाई वॉन्ट नॉट बाई नीड। अगर हम नीड्स के हिसाब से ड्रिवन हों तो फिर दुनिया में करप्शन के प्रॉब्लम्स और फ्रॉड के प्रॉब्लम खत्म हो जाएं। एवरीवन देर इज इनफ फॉर एवरीवन, नीड फॉर नॉट बट नॉट फॉर ग्रीड। तो आप जब नीड और वॉन्ट के बीच का अंतर समझाएंगे तो आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की नीड थी ₹2,500, वो ले लेते थे फ्रॉम हिज सैलरी, जबकि उसके ऊपर की उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो ₹2,500 से उनको डिसेंट लाइफ इंश्योर हो जाता था, तो इसलिए बाकी पैसा वो कॉन्ट्रीब्यूट कर देते थे टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। Some prelims related factual information: Kaziranga National Park to be enlarged. So Assam government has decided to add about 31 square kilometer area to Kaziranga National Park. तो अभी already उसका area है लगभग 884 square kilometer, उसमें कुछ और area add कर दिए जाएंगे। These areas will be added from Naugaon and Sonitpur district. Indra Navy 20 is a biennial military exercise between Indian Navy and Russian Navy that is scheduled from 4th and 5th September 2020. That's all from our side today. Thanks for watching.